सो गाइस वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू माय जॉब। आज मैं जॉब पे आया हूँ, क्या जॉब में करना होता है सब मैं कहूँगा सिक्योरिटी की जो मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि तू वो कह रहा था कि ये सब जॉब पीआर में हेल्प नहीं करते तो तू क्यों कर रहा है, राइट? तो मेरी साथ ही साथ दूसरी भी जॉब है लेकिन ये मैं अभी ब्रेक पे हूँ तो इधर भी करता हूँ और दो जॉब्स मैं करता हूँ साथ ही साथ। एंड उसकी भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे मैंने कहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ फील्ड जॉब, जो मतलब मेरी डोमेन की जो जॉब है एंड सिक्योरिटी में क्या करना होता है, क्या आपको ये सेफ जॉब है मेरी, क्या कौन अभी मेरी साइट है, ये देखो ये मेरी साइट है, इधर ये कंप फैक्ट्री है। तो मैं आपको कहूँगा कि क्या क्या करना होता है मुझे। मेरी 12 घंटे की नाइट शिफ्ट मैं लेता हूँ, क्यों लेता हूँ वो भी आपको पता ही होगा, नाइट में इतना होता नहीं है, क्या करना होता है सब कहूँगा। सो ये थोड़ा रॉ वीडियो रहेगा, रॉ टाइप फॉर्मेट में, तो होप सो कि आपको अच्छा लगे। और एक और बात यार, अभी इधर कनाडा में समर आ गया है पूरी तरह से, तो आप में से अगर किसी को पता हो कि क्यों यहाँ की जो 25 डिग्री होती है, अभी 28 डिग्री है करंटली, तो ये क्यों लगती है हमें पता नहीं। मुझे यार सनरेज जो आती है ना वो स्किन के ऊपर लगती है, आपको खुजली आती है, आपको सब होता है। सो ज़रूर मुझे कहना कमेंट में अगर आपको पता हो कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है वो, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय NordVPN। VPN आप सबको पता ही होगा कि आपके डेटा को सिक्योर करता है, आपके और वाईफाई प्रोवाइडर के डेटा प्रोवाइडर के बीच में एक बैरियर ला देता है। एंड कनाडा में जैसे आपको पता ही होगा कि यूजुअली कनेक्ट टू पब्लिक वाईफाई, आप टीम में जाते हो तो वहाँ पे उसके वाईफाई में कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ये ज़रूर है VPN। मैं पिछले 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट, लाइक बहुत अच्छी स्पीड जा रही है। मैं इंडिया का हॉटस्टार यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इंडिया का बहुत सारे लाइक Z5 हो गया, सब ऐप्स की वेबसाइट्स में यूज़ कर सकता हूँ, सोनी लीव यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट लाइक इजीली ब्लेजिंग फास्ट स्पीड है एंड कोई भी लॉग रखते नहीं है ये लोग, बहुत ही अच्छा है लाइक सिक्योर। एंड अगर आप नीचे गए लिंक से आप क्लिक करके बाय करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा up to 50%, लाइक आपको 2 ईयर्स का अगर आप लेते हो। एंड मैं और मेरे दोस्तों ने लिया है, कैसे लिया है मैं आपको कहता हूँ। हम 6 लाइक इसमें एक अकाउंट में आप 6 पीपल यूज़ कर सकते हो, सो 6 पीपल अगर आप यूज़ करोगे तो लाइक 6 पीपल नहीं लेकिन हर एक का अगर एक लैपटॉप और अगर एक हम मोबाइल भी ले तो हम आप 2 डिवाइसेस यूज़ करो, 3 लोगों के बीच में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको हार्डली 2 ईयर्स का लाइक $25-30 आएगा, लाइक जो आपके लाइक नॉर्मल है लाइक $2 पर मंथ आएगा। एंड इसमें आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है और आप इंडिया का नेटफ्लिक्स एंड स्टफ यूज़ कर सकते हो, नेटफ्लिक्स या डिस्नी प्लस और हॉटस्टार, क्योंकि यहाँ का अगर आप लेने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर चलो VPN के लिए नहीं लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए भी लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो, लाइक इधर का ना लेके आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारे डिफरेंट भी फीचर्स है। सो जस्ट लाइक आई हाईली रिकमेंड यू टू चेकआउट, जस्ट एक बार चेकआउट कीजिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, सो ये मेरी साइट है अभी और ये मेरा सिक्योरिटी ऑफिस है, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, सब दिखाता हूँ मुझे क्या काम करना होता है यहाँ पे, लाइक क्या क्या इन लाइक आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हो ये पूरा ऑफिस है मेरा, लाइक छोटा सा ऑफिस जैसा है, यहाँ पे सब CCTVs है जो मुझे मॉनिटर करने होते हैं राइट में। फिर ये चेयर है, यहाँ पे बैठना होता है, AC हमारे पास, थोड़ा मैसी है स्टफ यहाँ पे, थोड़ा मैसी है, बाकी गंदा है आई नो, बट हमें 12 घंटे रहना है तो मैं तो यहाँ पे ही बैठा रहता हूँ। एंड ये जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स है। अभी ये साइट के ऊपर मुझे क्या काम होता है वो मैं आपको कहता हूँ। तो लाइक जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ट्रकिंग इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, राइट? तो यहाँ पे जो ये यार्ड है, ये कैनेडियन टायर जो यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है उसका है, तो यहाँ पे जो जैसे अभी शिपिंग बंद हो जाता है नाइट में तो यहाँ पे मुझे दे देते हैं ये लोग कि कौन कौन सी ट्रक्स आने वाली है, ये लिस्ट मुझे मिल जाती है जो ट्रक्स जाने वाले हैं बाहर कंसाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे काम बहुत कम होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली दूसरी साइड्स के हिसाब से काम बहुत कम होता है, बट जो काम होता है वो बहुत एक्यूरेट है, यानी कि बहुत लाइक प्रिसाइसली आपको करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है एक गार्ड ने एक कंसाइनमेंट जो नंबर उसने ट्रेलर नंबर गलत पढ़ा था और दूसरे दिन वो कंसाइनमेंट मॉन्ट्रियल पहुंच गया था, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। सो वो सब है, बाकी मुझे इतना करना होता नहीं है। फिर ये पूरा यार्ड आप देख रहे हो, ये यार्ड मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे पेट्रोल करना होता है 3 बार
हर एक शिफ्ट में 3 बार होता है, तो लाइक 4-4 घंटे, 4-4 घंटे में मैं 1 बार जाता हूँ। ओके सो गाइस, ये देख सकते हो मैं अभी पेट्रोल पे जा रहा हूँ, तो ये सब यार्ड्स होते हैं, तो मुझे सर सिर्फ देखना है कि कोई यहाँ पे ट्रेस पासिंग ना करे, सब जगह पे यहाँ पे नेट्स हैं, तो कोई ट्रेस पास करना आ जाए, बस वही चेक करना है और सिर्फ घूमते ही रहना है, ऐसे पूरा देखना है यार्ड। इस पूरी शिफ्ट मेरी 12 आवर्स की शिफ्ट में मुझे 3 बार ये करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सिक्योरिटी की ये सेफ़ है, जैसे मैं यहाँ पे नाइट में करता हूँ, तो नाइट में क्या करना सेफ़ है ये जॉब, क्योंकि कोई होता नहीं है साइट के ऊपर। तो लाइक ये मैं पर्सनली मेरी बात करो तो मैं पहले डरता था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि, और बहुत सारा शूटिंग एंड स्टफ अभी बढ़ गया है कनाडा में यहाँ पे, तो बट उसके बाद थोड़ा हैबिचुएट हो गया। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ये पूरा GIDC जैसा है हमारे इंडिया में होता है ना, वैसा ही है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, आप अकेले नहीं होते, और पेट्रोल भी हम, और मेरी सिक्योरिटी कंपनी पैरागॉन है जो जो भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे हमारा एक सिस्टम होता है IVR, उसमें क्या होता है मुझे हर 1 घंटे 1 बार कॉल करना पड़ता है और उधर पंच इन करना पड़ता है, अगर मेरा कॉल ना जाए हर घंटे में 1 बार तो वो लोग मुझे कॉल करते हैं, और मैं ना उपा अगर पिक नहीं करता तो फिर वो लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। एंड साथ ही साथ मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि रात को गाड़ी लेके हम पे देखने आते हैं, क्योंकि अकेले होते हैं, बट इट्स लाइक कि मुझे ये साइट पसंद है क्योंकि यहाँ पे इतना काम नहीं होता, मैं थोड़ा सा अपना काम कर सकता हूँ रात को, लाइक असाइनमेंट्स कर सकता हूँ बैठ के, बुक पढ़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, सो आई लाइक दिस। बट अगर आपको नहीं लगता तो आप प्लीज़ मत लीजिए ऐसी साइट्स, आप ऐसी साइट्स लीजिए जहाँ पे दूसरे गार्ड्स हो आपके साथ अगर नाइट कर रहे हो तो, ताकि वो आपके लिए सेफ़ हो, ठीक है। देख सकते हो ये पूरी साइट है मेरी यहाँ पे, बस ऐसा था, ऐसा थोड़ा सा चलना है, लाइक 1-2 किलोमीटर की वॉक है, पूरा यार्ड की करनी है मुझे वॉक, एंड मुझे बस ऐसे ही चलते रहना है, एंड देखना है कोई अंदर आ ना जाए बस, बाकी तो अच्छा वेदर है आज। ओके सो अभी देख सकते हो कि ये यार्ड्स है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो है ये सब मुझे देखना पड़ता है कि ये सब लॉक हो, ये कोई सील टूटा हुआ ना हो, ये सील देख रहे हो आप, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस मुझे यही देखना है हर जगह पे। सो अगर सील नहीं है तो सिर्फ देखना है कि अंदर एम्प्टी हो, ये आपको ऐसे 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 करके देखना पड़ता है, बाकी इतना कुछ है नहीं, कोई होना नहीं चाहिए यहाँ पे, बस इतना ही देखना है आपको, बाकी रात को कोई आता। ओके गाइस, तो मेरी अभी अभी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, और 12 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद का जो फेज होता है, थोड़ा सा थक गया हो, इतना काम नहीं होता फिर भी नाइट शिफ्ट होती है तो लाइक 12 घंटे की लंबी होती है, थक ही जाता हूँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ, डरम रीजन में मैं रहता हूँ वाशरूम में, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, सीरियसली लाइक मैं यहाँ से, मुझे कार पिकअप करने आएगी डायरेक्ट मेरे घर के नज़दीक के स्टॉप पे छोड़ेगी, लाइक DRT है, डरम रीजन ट्रांजिट की है, DRT ऑन डिमांड, मतलब कि द थिंग इज कि वो 6 बजे तक चलती है, अभी 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 7 बजे तक हो गया है, तो मेरी शिफ्ट 7 बजे ख़त्म होती है, बट मैं 6:30 को करता हूँ, 6:30 to 6:30, बिकॉज वो जो बस आती है वो मुझे 1 घंटे में पहुँचाती है, एंड ये कार ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, सो बहुत अच्छा हो रहता है मुझे, ये आई रियली लाइक दिस सर्विस, क्योंकि ऊबर की जैसी सर्विस है विथ जस्ट दैट नॉर्मल प्रेस्टो कार्ड।